गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुपर कोचिंग बिहार पर तो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग एक बार जल्दी से मुझे बताइए कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे और फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है प्यारे साथियों और ये समझ लीजिए कि आज हम लोग एकदम बिल्कुल मतलब रैपिड फायर की तरह करंट अफेयर करेंगे ठीक है तो अरविंद केजरीवाल गुड मॉर्निंग सालनी शालिनी कुमारी गुड मॉर्निंग चांदनी कुमारी गुड मॉर्निंग सुरजीत कुमार राज गुड मॉर्निंग चरण स्पर्श नमस्कार चलिए तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सभी को नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग और एक बात मेरी और ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा ठीक है एक बात को मेरी और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और वो बात क्या है आज जो मैं करंट अफेयर आपको कराऊंगा ना प्यारे साथियों जो करंट अफेयर में आज आपको कराऊंगा तो वो बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे क्योंकि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पेपर अगर तेईस चौबीस को हो गया तो फिर कैसे इतनी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे हम है ना तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज और कल आज क्या है फ्राइडे कल क्या है सैटरडे परसों क्या है संडे तो तीन दिन मैंने रिवीजन क्लास रखी हुई है ठीक है बिल्कुल आपको बताए बिना ही तीन दिन मैंने क्या रख दिया रिवीजन क्लास रख दिया ठीक है याद रखिएगा कुछ न्यूज आई है पता नहीं कब की न्यूज है ये अब यही है कि पता नहीं क्या क्या ये होता है यहाँ पे चलो भाई सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार जाओ फटाफट खोलते इनका ड्रीम इलेवन आ जाता है इंडियन क्रिकेटरों की खोलते ही खोलो तो ड्रीम आ रहे है तो, कहते के तो पढ़ाई करने आएंगे पैसा पा ऐड कर देते हो, और के तो जाके टीम बनाओ खुद तो करोड़ों रुपए कमा रहे ये मिल जाए ना मुझे ये जो ऐड कर जाके टीम बनाओ इनको दो मुक्का मार दो तो ये तो बनाते हुए नाचेंगे ये आइए फटाफट कर दीजिएगा पल्लवी कुमारी गुड मॉर्निंग पल्लवी जी गुड मॉर्निंग कैसी है आप शालिनी जी गुड मॉर्निंग अरविंद केजरीवाल केशव पांडे शुभ प्रभात केशव शुभ प्रभात बीडीओ जितेंद्र बाबू गुड मॉर्निंग जितेंद्र बाबू पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग पूजा कुमारी गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार एक बार जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दो ठीक है एक बार जल्दी से फटाफट सेशन को शेयर कर दो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है याद रखिएगा क्वेश्चंस प्यारे साथियों मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ तो क्वेश्चन काफी ज्यादा है क्या कि टेक्स बुक सुपर कोचिंग क्रैक बिहार एसएससी सीजीएल ठीक है सी सीजीएल सुपर टीचर इंडिया के सुपर टीचर के सुपर टीचर्स द्वारा क्या करो आप इसको साथियों क्रैक करिए ठीक टीचर बात करें अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं देखिए अगर आपको टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लेना हो ना तो आप विवेक एफ कोड का जरूर प्रयोग कर दे ठीक है किसका कोड का प्रयोग कर दे विवेक एफ कोड का जरूर प्रयोग कर दे ठीक है विवेक एफ कोड का अगर आप इस कोड का प्रयोग करके अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इन टीचरों से पढ़ने पढ़ना गुरु रहमान सर ठीक है सोनी विजय मैम यहाँ पे ऋचा शर्मापुरी ये सारी लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ठीक है आइए तो क्वेश्चन पे चले तो आज का पहला प्रश्न है प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है याद रखिएगा कि जनवरी 2022 में बाईस पिग हाग्रसपिग रॉबिन्स का निधन हो गया था रॉबिन्स को किस वर्स कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ में शामिल किया गया है याद रखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा ठीक है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे तो जनवरी 2022 में बाईस पिक रॉबिन्स का निधन हो गया है रॉबिन्स को किस वर्ष कंट्री म्यूजिक म्यूजिक हॉल ऑफ़ फेम में शामिल किया गया तो याद रखिएगा अगर मैं बात करूं दो हजार तो इसको 2012 में, की में दुनिया के पहले स्व यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया याद रखिएगा जनवरी 2022 में दुनिया के पहले स्व यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया बिल्कुल पूजा शर्मा ओल्ड पीडीएफ नहीं मिलता पूजा मिल जाएगा आज से सारी पीडीएफ जाना शुरू हो जाएंगी ठीक है सारी पीडीएफ आज से जाना स्टार्ट हो जाएंगी देखो आप सभी लोग अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारी चीजें चाहिए तो आज मैं आप लोगों से कहूंगा कि आज आप लोग करंट अफेयर के सेशन में किसके सेशन में आज आप लोग करंट करंट अफेयर के सेशन में अगर आज करके आपने हंड्रेड प्लस पहुंचा दिया तो आपको ऑल क्लासेस की पीडीएफ पीडीएफ आपको मिलना आज से ही स्टार्ट हो ऑल क्लासेस तो, तो आप सभी लोग जल्दी से फटाफट शेयर कर दो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जनवरी दो में दुनिया के पहले स्वत्याय यातायात प्रबंध मंच का निर्माण किसने किया था तो याद रखिएगा वैभव वैभव डी वैव घड़ोक ठीक है याद रखिएगा वैभव ठीक है तो डी करेक्ट ऑप्शन पे हो जाएगा यहाँ रखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्यारे साथियों टेनिस में जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेट इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती याद रखियेगा क्वेश्चन कह रहा है कि टेनिस में क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक मिनट में नोट वाला पेन ले लू क्या इससे इससे दिख रहा है पेन से कि नहीं दिख रहा है दिख रहा होगा ना चलो खैर कोई नहीं ब्लैक पेन ही ले, ले लेता हूँ ब्लैक से थोड़ा ज्यादा वो दिखेगा ना ठीक है तो टेनिस में जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल ट्रो, डबल ट्रॉफी किसने जीती है ठीक है याद रखिएगा ऑप्शन है कि एस रामबोली और जे सेरेटानी ने जीती है या फिर रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने जीती है या फिर एन लेमेंस और जे विथ्रो ने जीती है या फिर आपका इवान, इवान, डोडिंग या फिर और, तो और रामकुमार राम, 2022 में ऑस्ट्रेलिया में एडिलेट इंटरनेशनल डबल ट्रॉफी किसने जीती तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यह प्रश्न ठीक है तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन अगले में आव... कि संचार के साधन के स्वरूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल किस दिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो याद रखिएगा यहाँ पे प्यारे साथियों हर साल विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग चार जनवरी को कब मनाते हैं हम लोग चार जनवरी को मनाते हैं जनवरी के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा दस जनवरी दस जनवरी को क्या बनाते हैं तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस क्या बनाते हैं दस जनवरी को विश्व विश्व हिंदी दिवस क्या बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं दस जनवरी को ठीक है दस जनवरी को विश्व हिंदू दिवस बनाते हैं बारह जनवरी को अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बारह जनवरी को मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय राष्ट्र बारह जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस क्या बनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ठीक है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं ठीक है याद रखिएगा बारह जनवरी को पंद्रह जनवरी की अगर मैं बात करूं तो पंद्रह जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस क्या मनाते हैं थल सेना थल सेना दिवस, दिवस ठीक है बात करू अगर मैं यहाँ पे प्यारे पह। साथियों तो याद रखिएगा पच्चीस जनवरी को क्या मनाते हैं तो पच्चीस जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस क्या मनाते हैं मतदाता दिवस क्या मनाते हैं मतदाता दिवस ठीक है याद रखिएगा 25 जनवरी को क्या मनाते हैं मतदाता दिवस मनाते हैं ठीक है 25 जनवरी को क्या मनाते हैं मतदाता दिवस मनाते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा चार जनवरी यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट पे आइए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को निम्नलिखित में से किसके रूप में फिर से नामित करने की घोषणा नामित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी दो में भारतीय रेल भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को निम्नलिखित में से किसके रूप में फिर से नामित करने की फिर से नामित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन क्या है ट्रेन ट्रेन कैंपेनियन ट्रेन इंचार्ज ट्रेन मैनेजर या फिर ट्रेन गाइड ठीक है Train train charge, manager, तो right ट्रेन कंपेनियन right ट्रेन ट्रेन मैनेजर या फिर क्या किया है प्यारे साथियों बदलने की क्या की है घोषणा की है यार केजरीवाल एक बार शेयर कर दो यार बताओ कितने कम लोग थर्टी सिक्स हो यार है कम से कम आज भैया हंड्रेड प्लस तो जाना ही चाहिए है? आज तो यार हंड्रेड प्लस तो जाना ही चाहिए और क्वेश्चन समझ रहे हो कितने क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन है तो कल भी चलेगा संडे को भी पढ़ाऊंगा ठीक है सारी चीजें कराऊंगा मैं आपको आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए अगला क्वेश्चन है कि दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा याद रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दसवें सिख गुरु दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा हर दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो याद रखिएगा छब्बीस दिसंबर ठीक है कब मनाया जाएगा ट्वेंटी सिक्स ऑफ दिसंबर को मनाया जाएगा छब्बीस दिसंबर को मनाया जाएगा ठीक है याद रखिएगा क्वेश्चन फिर से पढ़ लो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि दसवें सिख गुरु दसवें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हर दिन, हर साल वीर बाल दिवस रूप में मनाया जाएगा ठीक है कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया छब्बीस दिसंबर यहां पर राइट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन है कि भारतीय स्पाइनल भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर मैनेजर यानी कह लो आप यहाँ पे जनवरी का जनवरी 2022 में निधन हो गया है उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था तो याद रखिएगा जय राय गुड मॉर्निंग तो उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में मिला था कब मिला था 2002 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था ठीक है भारतीय स्पाइनल इंजरी सेंटर मेजर एच पी एस अहुल वालिया को जनवरी 2022 में निधन हो गया था उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था तो 2022 में, 2002 में मिला था ठीक है क्लियर है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 27 जनवरी 2022 को आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की याद रखिएगा यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर एस जयशंकर या फिर पीयूष गोयल डॉक्टर एस जयशंकर या फिर आपका पीयूष गोयल तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ठीक है याद रखिएगा किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ठीक है किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या की गई थी सम्मेलन की मेजबानी की गई थी ठीक है याद रखिएगा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ अगला प्रश्न है आपके सामने पनामा जंगल पनामा जंगल में खोजी गई निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति का नाम याद रखिएगा पनामा जंगल में खोजी गई निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है ठीक है याद रखिएगा। पनावा जंगल में खोजी गई निम्नलिखित में से किस किसकी एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है याद रखिएगा रेन रेन फ्रॉग रेन फ्रॉग है यहाँ पे साप है छिपकली है और याद रखिएगा मगरमच्छ तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा तो याद रखिएगा यहां पे राइट right ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा रेन फ्रॉग ठीक है याद रखिएगा रेन फ्रॉग पे राइट right ऑप्शन हो जाएगा यानी फर्स्ट ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा ठीक है यानी पहला ऑप्शन क्या होगा यहां पे सही हो जाएगा अगले प्रश्न की तरफ आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकादमी अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता ठीक है अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी सिडनी पोइटियर सिडनी पोइटियर का जनवरी 2022 में निधन हो गया है ठीक है याद रखिएगा अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर का जनवरी 2022 में निधन हो गया है वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से घाना से या फिर बुर्किना फासो ठीक है याद रखिएगा या फिर बुर्किना फासो तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका क्या होगा संयुक्त राज्य अमेरिका कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता सिडनी पोएटियर का जनवरी 2022 में निधन हो गया वो किस देश से संबंधित है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है याद रखिएगा रवि सिंह ओ सर अभी मुंबई में है हाँ रवि क्या बात है मिलने आना है क्या मुंबई रवी? मुंबई में ठंड नहीं होती है रवि अरे ये क्या बातें चल रही है बी होगा यूएसए हाँ बिल्कुल सेकंड ऑप्शन होगा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक है याद रखिएगा यूएसए यहाँ पे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति सी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति सी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है सैयद अकबरुद्दीन सैयद अकबरुद्दीन टी एस त्रिमूर्ति हर्षवर्धन संगला या फिर विकास स्वरूप या फिर विकास स्वरूप तो आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे टी एस त्रिमूर्ति क्या होगा टीएस त्रिमूर्ति यहाँ पे हो जाएगा कि जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति सीटीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है तो याद रखिएगा टीएस त्रिमूर्ति को नामित किया गया है अगले में आइए कि किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने 3 जनवरी 2022 को जनता की जनता की प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी एन का मसौदा जारी किया है खेल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय या फिर आपका नगर विमानन मंत्रालय नगर विमानन मंत्रालय सर रिवीजन क्लास है हा भाई रिवीजन क्लास है क्योंकि देखो मेरी बात सुनो मैंने कल बताया था कि 23 दिसंबर और 24 दिसंबर आज फिर और जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या इस तारीख को एग्जाम होगा कि नहीं होगा कल मैंने एडमिट कार्ड के बारे में जिक्र किया था क्योंकि अब बहुत हो गया बर्दाश्त की हद अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा यार आप लोग भी तो कितना आ, मतलब एक एक समय सीमा होती है हर चीज की हर चीज की समय सीमा होती है जब हम किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि उस को, उस प्रैक्टिस प्रैक्टिस को में जो हमने महारत हासिल की है उसको दिखाने का एक दिन हमें मौका मिलेगा अगर उसको दिखाने का हमको मौका ही नहीं मिल पा रहा है वो हमारे लिए अनयूजफुल है तो हम उसको लिए क्या करेंगे बताओ अच्छा कुछ कर पाएंगे इधर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप हर दिन कोई ना कोई बैच खरीदते रहोगे है ना ये भी सही बात है अब शुरुआत से तो आप खरीदते ही चले आ रहे हो बैच ठीक है तो ऐसे में हमें करना क्या है ऐसे में हमें यही सोचना है कि कैसे हम लोग बिहार एस का जल्द जल्द जल पेपर करवा के और उसके देन उसके बाद हम लोग मेन्स की तैयारी में लगे है ना तो यही सारी चीजें ये चीजें सोच सोच के ना कभी कभी दिमाग गड़बड़ा आ जाता है तो राइट ऑप्शन क्या होगा याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नगर विमानन मंत्रालय ठीक है नगन विमानन मंत्रालय यहां पर फोर ऑप्शन सही होगा ठीक है क्या ऑप्शन सही होगा फोर ऑप्शन पे हो जाएगा ठीक है सर तो कितने बजे तक क्लास चलेगी पल्लवी एक घंटे की क्लास है ठीक है 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 ही ही क्लास है, क्लास है? क्लास पल्लवी जी की की एक घंटे और कल जो क्लास होगी वो शायद दो घंटे की खींच दूंगा मैं उसको ठीक है तो उसमें और जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे ठीक है अब एक घंटे क्लास करेंगे सुपरफास्ट तरीके से करेंगे ठीक है अगले प्रश्न की तरफ आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शोधकर्ताओं शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र के पहले संकेतों की खोज की है निम्नलिखित में से किसके डेटा का उपयोग करके खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा यह खोजी गई है आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा अच्छा प्रश्न है कह रहा है कि शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ग्रह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र के पहले संकेतों की खोज की है निम्नलिखित में से किसके डेटा का उपयोग करके खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा अंतरिक्ष टेलीस्कोप क्या होगा तो यहां पे हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप यहां पे राइट ऑप्शन होगा, होगा। videos, क्या होगा हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ठीक है क्या होगा यहां पे हवल अंतरिक्ष टेलीस्कोप यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्या होगा ए इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट पे आइए कह रहा है क्या कि किस देश ने जनवरी 2022 में कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी, सब लंबी मेट्रो लाइन खोली है किस देश ने जनवरी 2022 में कुल 831 किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है जापान चीन इंडिया रूस जापान चीन इंडिया रूस क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी से तो याद रखिएगा यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चीन मेरे प्यारे साथियों चांदनी चौक टू चाइना चांदनी चौक टू चाइना तो चीन यहां पे राइट ऑप्शन होगा चाइना ने क्या किया है? मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा इसने आठ किलोमीटर लंबाई वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है और चाइना से क्या आया था कोविड नाइनटीन यही लोग सांप आप बिच्छुचू मार के खा जाते हैं यहीं से कोविड नाइन्टीन क्या होता है शुरू हो जाता है ठीक या है याद रखिएगा अगले प्रश्न की तरफ आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि, कि किस राज्य किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में अपना अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया याद रखिएगा अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश बिहार, बिहार पंजाब और हिमाचल प्रदेश ठीक है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब और हिमाचल प्रदेश आंसर बताओ यहां पे क्या हो जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा हिमाचल प्रदेश इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2022 में अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है नेक्स्ट आइए एक जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है याद रखिएगा कि एक जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जगदीप सिंह को सुनीता शर्मा को वीके त्रिपाठी को या कुलदीप नैयर को तो याद रखिएगा यहां पे वीके त्रिपाठी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा क्या होगा वीके त्रिपाठी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा वीके त्रिपाठी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है कि एक जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वीके त्रिपाठी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर है अगले में आइए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी जनवरी 2022 में बाधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद ठीक है याद रखिएगा जनवरी 2022 में बाधिरों की अखिल भारतीय खेल परिषद को अंतरराष्ट्रीय बाधिरों के लिए खेल समिति अंतर्राष्ट्रीय बाधिरों के लिए खेल समिति से किस राज्य में पहली पहली विश्व बाधिर टी क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने की मंजूरी मिली है याद रखिएगा जो बाधिर क्रिकेट होता है वो टी ट्वेंटी क्रिकेट में किस राज्य को क्या मिली है मेजबानी मिली है तो याद रखिएगा यहाँ पे तो बात करूं यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों केरल इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा केरल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्या होगा केरल केरल इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा याद रखिएगा कि जनवरी 2022 में बादलों की अखिल भारतीय खेल परिषद को अंतरराष्ट्रीय बादलों के लिए खेल समिति से किस राज्य में पहली विश्व बाधित टी ट्वेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी को मंजूरी मिली है तो केरल यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट पे आइए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस किस राज्य कि को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से या प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है याद रखिएगा यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य को किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ठीक है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक और यहां पे आंध्र प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक और आपका क्या है आंध्र प्रदेश तो याद रखिएगा पे राइट ऑप्शन क्या होगा उत्तर प्रदेश पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है उत्तर प्रदेश को क्या किया गया सम्मानित किया गया यार एक बार शेयर कर दो फटाफट जल्दी से एक बार शेयर कर दो कम से कम आज कम से कम आज मेरे पैसा थी हंड्रेड प्लस तो जाना ही चाहिए आज हंड्रेड प्लस तो जाना ही चाहिए एक बार फटाफट जल्दी से क्या करेंगे शेयर कर देंगे भाई है ना फटाफट क्या कर देंगे जल्दी से शेयर कर देंगे ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिका परमाणु अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है याद रखिएगा यहां पे मिशेल जे हवार बनी है एमी है नोरा डब्ल्यू बनी है या फिर आपका मार्शा जे तो करेक्ट ऑप्शन पे क्या होगा याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा याद रखिएगा एमी बॉर्नस्विफ्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे राइट right ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ठीक है सेकेंड यहां पे क्या होगा राइट right ऑप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट पे आइए Osionfish. अगला क्वेश्चन है कह रहा है, है PCS, कि निम्नलिखित में, में से किस जोड़ी ने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित मिश्रित युगल युगल का का खिताब खिताब जीता जीता है क्वेश्चन आपका इस बार जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था यूपी पीसीएस ठीक है इस बार जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीता है ठीक है ईशान ईशान भटनागर और तनिशा क्रेस्टो ठीक है ईशान भटनागर और तनिशा क्रेस्टो झेंग सेवई और हुआंग हु ठीक है और यहाँ पे प्रवीण जॉर्डन और आ, आ, मेलाती देवी ठीक है और यहाँ पे आपके सामने डी ऑप्शन तो याद रखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ईशान भटनागर और तनिषा क्रिस्टो इन्होंने सैयद मोदी जो ट्रॉफी है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रॉफी है ये किसने जीती है तो याद रखिएगा ये इन्होंने जीती है है ठीक याद रखिएगा तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन पे 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 क्या होगा ए इज द राइट यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट आइए संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत याद रखिएगा कि संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बना आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा कि संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत का पहला संयुक्त विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जलवायु युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बना याद रखिएगा या यहाँ पे प्राजक्ता कोली प्राजक्ता कोली या फिर आपका मिथिला पालकर या फिर आपका बरखा सिंह या फिर आपका कुश कपिला, या फिर आपका कुश कपिला आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा तो याद रखिएगा प्राजक्ता कोलीट ऑप्शन हो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा पढ़ो कि संगठन के संगठन के साथ अपनी साझेदारी के तहत भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनाए तो प्राजक्ता कोहली बनी है ठीक है कौन बनी है प्राजक्ता कोहली बनी ठीक है थीके? याद रखिएगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है ठीक है याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में आयोजित दुबई यूएई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है भारत श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन पे क्या होगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इंडिया इंडिया यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया ने जीता है किसने जीता है इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2021 में दुबई यूएई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है तो किसने जीता है भारत ने जीता है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट पे आइए अगला क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने विराट कोहली ने भारतीय का पद छोड़कर पद छोड़ दिया है कोहली ने किस वर्ष भारतीय टीम के कप्तान के रूप में एम एस धोनी की जगह ली थी ठीक है याद रखिएगा राइट ऑप्शन क्या होगा 2015 में ठीक है 2015 में याद रखिएगा कब 2015 ठीक है 2015 अगले क्वेश्चन की तरफ आइए कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया तो याद रखिएगा रतन टाटा किसको सम्मानित किया गया तो याद रखिएगा रतन टाटा को यहां पे क्या किया गया सम्मानित किया गया ठीक है रतन टाटा को क्या किया गया यहाँ पे सम्मानित किया गया तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट पे आइए कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किस जयंती को मनाने के लिए सरकार ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किस जयंती को मनाने के लिए सरकार ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन एक सौ पच्चीस क्या होगा एक सौ पच्चीसवीं प्यारे साथियों थर्ड यहाँ पे राइट right ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्या होगा थर्ड इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा कि नेताजी याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किस जयंती को मनाने के लिए सरकार ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया तो एक सौ जयंती पर किया अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना वायु सेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त से सैन्य अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजित किया गया है ठीक है युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना वायु सेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजित किया गया है आंसर क्या होगा पश्चिमी लहर याद रखिएगा क्या होगा पश्चिम लहर क्या होगा पश्चिम लहर यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा पश्चिम लहर यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर है पश्चिम लहर भाई आप खुद देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय सेना वायुसेना और नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त तो सैन्य अभ्यास जनवरी 2022 में आयोजित किया गया है तो पश्चिम लहर यहां पे क्या किया गया है आयोजित किया गया नेक्स्ट पे आइए कह रहा है कि जनवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के कोशकारों द्वारा निम्नलिखित में से किसे चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया तो याद रखिएगा

ट्वेंटी सिक्स तो ऑफ जनवरी या बात करूं अगर मैं ट्वेंटी अक्टूबर पच्चीस जनवरी या फिर अगर मैं बात करूं पांच अक्टूबर तो राइट ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी ठीक है ट्वेंटी सिक्स ऑफ तो जनवरी यहां पे राइट ऑप्शन होगा ठीक है क्या होगा ट्वेंटी सिक्स ऑफ तो जनवरी यहां पे राइट ऑप्शन होगा क्लियर है यहां पे क्लियर है भाई बहुत बढ़िया कि विश्व सीमा शुल्क संगठन डब्ल्यूसी के उद्घाटन सत्र को मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है तो याद रखिएगा ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी छब्बीस जनवरी को मनाया जाता है ठीक है याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइए अगला क्वेश्चन है कि यहां पे कि रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक विक्रम कोठारी का जनवरी दो में निधन हो गया जनवरी दो में निधन हो गया किस वर्ष उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया है याद रखिएगा कि रोटोमैक रो, रोटोमैक ग्रुप के प्रबंध निदेशक विक्रम कोठारी का विक्रम कोठारी का जनवरी 2022 में निधन हो गया है किस वर्ष उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया था ठीक है उन्नीस सौ चौरानवे उन्नीस सौ पंचानवे उन्नीस सौ छियानवे या फिर उन्नीस सौ

निर्यातक के रूप में सम्मानित किया गया तो उन्नीस ठीक है याद रखेगा अगले प्रश्न की तरफ आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस डाटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रादाताओं ने जनवरी 2022 में मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया है ठीक है क्वेश्चन आपके सामने की निंद में से किस डाटा सेंटर और प्रबंधित सेवा प्रदाताओं ने जनवरी 2022 में मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटर सब स्टेशन जी स्थापित किया है तो आंसर आपके सामने क्या होगा टाटा कम्युनिकेशन टाटा कम्युनिकेशन या जीपीएक्स ग्लोबल या फिर आपका जीपीएस ग्लोबल सिस्टम या आपका या आपका ये आंसर तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे फोर ठीक है याद रखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आइए कि जनवरी 2022 में भारत को अपना पहला जलवायु मेघाता एटलस मिला है यह कितने चरम मौसमों की घटनाओं और स्थानीय आबादी आजीविका और प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिमों पर आधारित है ठीक है क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि जनवरी 2022 में भारत को अपना पहला जलवायु जलवायु भेघता एटलस मिला है ठीक है याद रखिएगा यह कितने चरम मौसमों की घटनाओं और स्थानीय आबादी आजीविका और प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था पर होने वाले जोखिमों पर आधारित है तो याद रखिएगा या, या राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है है यार ये प्रश्न क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न तो थर्टीन यहां पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है थर्टीन यहां पे क्या होगा इस द राइट ऑप्शन यहां पे आपके सामने हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए अगला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने है कि रियासी रियासी जिले के निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस गांव को किस गांव को जनवरी 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ठीक है क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि रियासी जिले के निम्नलिखित में से किस गांव को जनवरी 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है कि निरन 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 अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं एक बात आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सर पता नहीं आज क्या इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हैं तो मेरी बात सुनो यहां पे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं एक बात दिल से बिल्कुल आपको बता रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आज महसूस कर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं ठीक है और मैं आपको ये बताऊंगा प्यारे साथियों कि अभी आप जिस पोजिशन में भी हैं और जहां पे भी हैं और जैसे भी भी हैं आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए पूरी अपनी जान लगा दीजिए आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है जितनी भी शक्ति है जितनी भी ताकत है आप पूरी की पूरी झोंक दीजिए अगर आप लड़के हैं तो आपसे कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने जिंदगी भर क्या किया अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ आपकी सफलता पूछेगा आप लड़की हैं आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता आप घर पर के पढ़ाई कर रही हैं घर पर के कोई काम नहीं कर रही हैं तो आपसे भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं लेकिन याद रखिएगा ये सवाल जवाब करने की एक उम्र होती है अगर उस पड़ाव को अगर आपने पार कर लिया और उस पड़ाव में अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया तो आप जिंदगी भर ये सोच के पछताएंगे यार मेरे पास सारी चीज़ें थी अपॉर्चुनिटी थी मौका था मेरे पास हर वो चीज़ थी जो मुझे सिलेक्शन के लिए चाहिए मेरे पास वो सारी चीज़ें थी लेकिन आज मेरे पास वो चीज़ें कुछ भी नहीं हैं तो कभी भी ये मत सोचो कि यार लाइफ बहुत आसान है हमेशा ये सोचो कि जिंदगी आसान थी अच्छी बात है जिंदगी आसान बहुत लोगों की है और जिंदगी आसान बहुत लोग बना भी रहे हैं आपसे रात काम करवा के अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं वो अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो आपको दिनों रात काम करना पड़ेगा दिन और रात और एक दिन आप मान के चलते हैं कि 24 घंटे का होता है दिन और रात जोड़ दो भाई और इतनी मेहनत करो कि मतलब ये समझ जाओ कि मतलब आपको कोई देखे ना बस ये बोले कि यार ये कितना पढ़ता है ये पागल हो जाएगा किसी दिन पढ़ पढ़ के तो पागलों वाली स्थिति नहीं करनी है हमें क्या करना है मेरी बात ध्यान से सुनो मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो दौर है आज क्या है 2022 मेरे प्यारे साथियों 2022 अब 2023 आने वाला है ठीक है 2023 मैं आप लोगों के साथ जनवरी में जुड़ा था मैं आप लोगों के साथ जनवरी में जुड़ा था कि नहीं बताओ मैं आप लोगों के साथ जनवरी में जुड़ा था और मैंने खुद देख लिया कि एक साल में क्या हुआ एक साल में सिर्फ मध्य निषेध की वैकेंसी याद रखना एक साल में सिर्फ मध्य निषेध मध्य निषेध फायरमैन फायरमैन और दरोगा ये वैकेंसीज क्लियर हुई हैं ठीक है इनमें बच्चों की नौकरी लगी है साल पूरा गुजर गया है पूरा साल गुजर चुका है साल के ग्यारह महीने हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया में हम में हमसे हमसे क्या क्या पूछा था पूछाता है रिजल्ट पूछा जाता है तो मेरा मानना यही होगा कि आप सभी लोग मेरा मानना यही होगा कि आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग अपनी क्षमताओं को जानने के लिए अपने आप का परीक्षण बहुत जरूरी है परीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने जब देखा कई लोग कई बच्चों को जब फोन ऑन वगैरह आते हैं तो परीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लगता है ना कि अभी सर बहुत टाइम है अभी तो हम अभी तो हम 22 साल के हुए हैं अभी तो हम 21 साल के हुए हैं अभी तो सर हमारी एज 18 ही साल हुई है अभी तो सर हमारी एज 15 ही साल हुई है समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा लोग तो पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करेंगे सब करेंगे यार हम भी करते हैं सब करते हैं आप भी किसी दिन करोगे अगर नहीं कुछ कर पाओगे तो और जो लोग कहते हैं ना कल मैंने एक टीचर को सुना था वो कह रहे थे कि मुझे कभी सरकारी नौकरी करनी ही नहीं थी फेमस टीचर है भाई साहब वो फेमस टीचर कहता है कहता मुझे कभी सरकारी नौकरी करनी नहीं थी मुझे सरकार के इस सिस्टम से वो नहीं है मुझे सरकार के सिस्टम से वो नहीं है तो मेरे भाई तुम चमक गए मैं अब नाम नहीं ओपन करूंगा आप देखिएगा रील्स वगैरह में उनकी वीडियो आती है फेमस टीचर है उनको तो नीतू मैडम ने भी ट्रोल किया था अब सरकार गवर्नमेंट ही अगर जॉब निकालना बंद कर देगा तुम सड़क पे आ जाओगे पुराना भी अतीत मैंने देखा हुआ है आपका और अब क्या चल रहा है वो भी देख रहा हूं तो सड़क पे आ जाओगे तो इसलिए जिस काम से हम हमारा घर चलता है जिस काम से हम अपना पेट पालते हैं उस काम को तो गाली नहीं देनी चाहिए उसके लिए खराब नहीं बोलना चाहिए सरकार कितना भी अब देखो मान के चलो बिहार एसएससी अभी प्यारे साथियों बिहार एसएससी अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं ले रही है नहीं दे रही है एडमिट कार्ड आपका परीक्षा की तिथि सही नहीं बता रही है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट खराब है मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट लेट कर रही है लेट क्यों कर रही है गवर्नमेंट को लेट नहीं करना चाहिए यही गवर्नमेंट अगर बिहार एस की वैकेंसी नहीं निकालती यही गवर्नमेंट अगर मध्य निषेध की वैकेंसी नहीं निकालती यही गवर्नमेंट अगर पुलिस की वैकेंसी नहीं निकालती तो हम यहां खड़े होके क्या कर क्या करते हैं यहां पे खड़े होके किसको पढ़ाते हैं? ना आप फॉर्म डालते ना आप पढ़ते ना आप, मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते देखो आज मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं जो सच है वही बात कर रहा हूं ये नहीं कि आपको कह रहा हूं कि दो साल की तैयारी जो सच है मैं हमेशा आपसे सच बात बोलता हूँ मेरे अंदर कोई वो चीज नहीं है कि मैं यहाँ पे आगे कुछ और बोलू और कहीं कुछ और बोलू मैं जो सच है वो बता रहा हूँ गवर्नमेंट क्या है हम उसको कभी नहीं बुरा बोलेंगे लेट कर रही है गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर गौर्मेंट वैकेंसी नहीं निकालेगी तो फिर हम किसको पढ़ाएंगे और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके बड़े बड़े टीचर बैठे हुए हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली उन लोगों ने कि मेरी इतनी फीस है ज्वाइनिंग मेरी उतनी फीस है ज्वाइनिंग है किसकी वजह से है तो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से और आप ही लोगों के लिए जब कोई बात आती है तो फिर सब पीछे खड़े हो जाते हैं सब भाई सब अपना किताब बेच देंगे कोई कुछ बेच देगा कोई कुछ बेच देगा तो रियलिटी इसी बात की है तो रियलिटी इसी बात की है कि रियलिटी इसी बात की है कि जिससे जिसने पढ़ा हो अच्छी बात है लेकिन कभी उस सिस्टम को गाली गलौज नहीं करना चाहिए और अब तो मार्केट में ये सिस्टम आ गया है आप अगर टॉप कर जाओ तो आपको इतना पैसा दे दिया गा। आपकी रैंक ही खरीद दी जाएगी और जिस मैडम की किताब पढ़ के लोग एसएससी में इंस्पेक्टर बनते हैं और वो लड़की बोले कि हमने मैडम की किताब ही नहीं पढ़ी गजब भाई साहब गजब गजब का वो चलता है सिस्टम खैर आइए खैर मैं आप लोगों से यही कहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में कितनी भी टेंशन में आ जाओ पैसा ना हो कितनी भी समस्या में आ जाओ मैं जानता हूँ मेरे दिल से पूछो कितनी बड़ी समस्या में टेंशन में था आप ही लोगों ने मेरी मदद की है और जो लोग यहां पर हैं सब लोग जान ही रहे होंगे आप ही लोगों ने मेरी मदद की है और सबसे अच्छी बात क्या हुआ आज मैं ये बता रहा हूं आपके सामने लाइव बता रहा हूं आप ही लोगों ने मेरी मदद की और आप लोगों में से किसी ने ये बात किसी को नहीं बताई ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात थी तो ये होता है एक प्रेम कि भाई आपने जो इंटरनली कर दिया था कर भी दिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला चलिए नेक्स्ट पे आइए तो याद रखिएगा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने जेरी ठीक है जेरी राइट ऑप्शन है कि रियासी जिले के निम्नलिखित में से किस गांव को जनवरी 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है तो जेरी को घोषित किया गया ठीक है किसको किया गया है जेरी को किया गया है नेक्स्ट पे आइए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश का पहला ऑटो ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेंड फंड लॉन्च किया है? ठीक है रखिएगा कह रहा है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने देश का पहला ऑटो सेक्टर एक्सचेंज ट्रेंड फंड लॉन्च किया है ठीक है याद रखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे सामने होगा प्रोडेशियल प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ठीक है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड म्यूचुअल फंड या फिर कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड या फिर कोटक महिंद्रा तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन होगा कि निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ठीक है तो बी यहां पे राइट right ऑप्शन होगा नेक्स्ट पे आइए अगला क्वेश्चन है कि एजेक ताई और बेरीहू अरेगावी ने 2 जनवरी 2022 को बर्ट्सिलोना के कारसा डेल से नेसोस में विश्व पांच हजार मीटर मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ा वो किस देश से है तो आपको याद रखना है कि विश्व पांच हजार ठीक है पांच हजार मीटर का क्या तोड़ा था पांच हजार मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा वो किस देश से है वो इथोफिया देश से जिन्होंने क्या किया पांच मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा ठीक है किस देश से वो तो इथोफिया से है ठीक है याद रखिएगा इथोफिया से है तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा ठीक है क्लियर है यहां पे बिल्कुल 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 याद रखिए अच्छी तरीके से ठीक है भाई चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अगला प्रश्न आपके सामने कि जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में कोविड 19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है जनवरी 2022 में कोविड 19 वैक्सीन के विकास में उनके प्रयासों के जेने, लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा इयान रीड को सम्मानित किया गया है चार्ल्स फाइजर को एंथोनी फॉसी को या फिर अल्बर्ट बोर्ना को शामिल किया गया तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा अल्बर्ट अल्बर्ट बॉडला को यहां पे शामिल किया गया है फोर ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा ठीक है क्या होगा फोर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट बॉडला ठीक है क्या होगा फोर यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शिलांग चेंबर चोइरा के संस्थापक जनवरी 2022 में उनका निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध थे वह एक प्रसिद्ध थे अंजलि कुमारी क्या लिख के भेज रही हो ये सब कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं बोर हो रही हूं अंजलि जी बोर हो रही हैं इनको भैया कोई गाना वाना सुनाओ इनके सामने नत्र वत्र पेश किया जाए थोड़ा सा है ना इनका मनोरंजन किया जाए ये बोर हो रही है ये है ना याद रखो मैं बताऊं आप लोग अच्छी तरीके से आप बोर क्यों हो रही हैं क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ना प्यारे साथियों करंट अफेयर करंट अफेयर ये जो करंट अफेयर है तो ये करंट अफेयर आपका जनवरी जनवरी माह का है ठीक है यानी आज से आज से दस महीने पहले का है और आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में एक दिन पहले का करंट अफेयर नहीं पूछेगा पूछेगा वो वो पूछेगा पहले का ही पूछेगा बात समझ में आ रही है इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आज प्रश्न कहां से आ रहे हैं क्योंकि आप नया 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 के चक्कर में पुराना तो सब भूले ही चले जा रहे हैं तो आपको पुराना याद करना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से ठीक है याद रखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आएगा यहां रखिएगा संगीतकार ठीक है याद, याद कंपोजर म्यूजिक कंपोजर संगीतकार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शिलोंग चैम्बर चोईरा के संस्थापक जनवरी दो में निधन हो गया वे कौन थे तो प्रसिद्ध संगीतकार थे इब्राहिम इब्राहिम बाउपकर किस्ता कि जनवरी 2022, 2022 में निधन हो गया वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं ठीक है याद रखिएगा इब्राहिम का जनवरी 2022 में निधन हो गया वो किस देश के राष्ट्रपति थे तो माली ठीक है याद रखिएगा माली के राष्ट्रपति थे किसके थे माली के राष्ट्रपति थे तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा ठीक है सॉरी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल जनवरी 2022 हजार बाईस कहा क्वेश्चन है जनवरी दो इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा टेंशन मत लो लेकिन वर्कर ठीक है याद पदम पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सिंधुताई सबकाल का निधन जनवरी दो में निधन हो गया वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित तो थी, थी, थी? वरकर, याद रखिएगा सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित थी अगले क्वेश्चन की तरफ आइए कि टेनिस में टेनिस में जनवरी 2022 में टेनिस में जनवरी 2022 में मेलबर्न समर सेट मेलबर्न समर सेट वन एटीपी दो इवेंट है, किसने जीता है मैक्समे क्रेसी ने राफेल लडार ने नवाक जोकोविच ने या फिर रोजर फ्रेडर ने या फिर रोजर फ्रेडर ने तो याद रखिएगा राफेल लडार ने यहां पे इसको जीता है किसने जीता है राफेल नडार तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या होगा सेकेंड यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राफेल नडार ठीक है टेनिस में जनवरी 2022 में मेलबर्न समर सेट वन एटीपी 2050 इवेंट किसने जीता है तो राफेल नडाल ने यहां पे जीता है ठीक है याद रखिएगा ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24 इन टू 7 का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को रणवीर सिंह मिताली राज ऋतिक रोशन ऋषभ पंत तो इस समय गजब का कमाल कर रहा है पिछले मैच में वो शतक बनाने से चूक गया मात्र नब्बे रनों से चूका है शतक बनाने से तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऋतिक रोशन क्या होगा ऋतिक रोशन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हृतिक रोशन ठीक है हितिक रोशन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां पे हम लोग एस एस रामेशन का जनवरी 2022 में निधन हो गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि एस रामेशन का जनवरी 2022 में निधन हो गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है तो याद रखिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों उनके द्वारा सिद्धला चित्रांगल ये भी पुस्तक लिखी गई है और आपके सामने बी भी लिखी गई है और आपके सामने ये भी यानी तीनों ही पुस्तक लिखी गई है यानी ऑल पुस्तक इनके सामने लिखी गई है ठीक है याद रखिएगा क्लियर है अगले क्वेश्चन की तरफ आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वयोवृद्ध उड़ीसा अभिनेता का जनवरी 2022 में निधन हो गया निम्नलिखित में से किस वयोवृद्ध उड़ीसा अभिनेता का जनवरी 2022 में क्या हो गया निधन हो गया तो याद रखिएगा यहाँ पे मिहिर दास क्या होगा यहाँ पे मिहिर दास राइट ऑप्शन होगा मिहिर दास का क्या हो गया यहाँ पे निधन हो गया किसका हो गया मिहिर दास का यहाँ पे क्या हो गया निधन हो गया क्लियर है यहाँ पे कि जनवरी 2022 में वयोवृद्ध उड़ीसा अभिनेता का जनवरी 2022 में निधन हो गया तो याद चलिए मेहर क्वेश्चन की तरफ चलें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता ठीक है याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी दो में सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता डेनिश शोपोवालोप ठीक है डेनिस्ट याद रखिए एलेक्सेंडर या फिर असलान या फिर आपका एंड्रेडियन तो याद रखिएगा पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके सामने क्या होगा असलान यहाँ पे राइट ऑप्शन पे हो जाएगा ठीक है असलान ठीक है याद रखिएगा अलस्तान करास्तेव। इसने क्या किया सिडनी टेनिस क्लासिक का खिताब जीता जनवरी दो में और यह भी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है यह भी क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले प्रश्न की तरफ आइए अगला क्वेश्चन है कि किस दिन किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है तो याद रखिएगा यहाँ पे 31 जनवरी 25 जनवरी 24 जनवरी या फिर 21 जनवरी किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है तो याद रखिएगा 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्लियर है मध्य निश्चित के लिए भी वो इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है याद रखिएगा तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों जनवरी के करंट अफेयर अभी समाप्त तो नहीं है अभी करंट अफेयर ऑन है देखो अभी कितने करंट अफेयर हुए तो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी करंट अफेयर आपके सामने

रास्ता देखा है जो हमने अपना एक एम सजाया लक्ष्य बनाया उसको हम हर में प्राप्त करेंगे क्योंकि दुनिया का भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते बिल्कुल भी आप दुनिया का भरोसा नहीं कर सकते लोग आपसे क्या, क्या क्या करवा सकते हैं अगर आज आपने अपने लिए मेहनत नहीं की तो कल आप दूसरों के लिए मेहनत करोगे और फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे तो दुनिया का कोई पता नहीं है इसीलिए शांत होके आज से अपने देखो मैं एक बात मानता हूं कि अगर आप अगर आप लगातार छ महीने कितना छ महीने अगर आप लगातार छ महीने अपने आप से प्रतिज्ञा करके अपने आप से प्रतिज्ञा करके और मेहनत कर लो लगातार छह महीने की बात है अपने आप से मेहनत करके प्रतिज्ञा कर लो कि कुछ भी हो जाए इन छह महीने में बहुत मेहनत करूंगा और पढ़ूंगा और एक बार जिसको स्टार्ट कर दो पढ़ाई के लिए फिर उसको छोड़ो मत फिर देखो रिजल्ट कैसा अच्छा आता है ठीक है चलिए बाकी बी आर एस एस सी की सूचना साढ़े आठ बजे ठीक है चलिए चलिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में और ठीक है कल सुबह सात बजे फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पे और इसकी पीडीएफ आज क्या करूंगा ना जो कल पढ़ाऊंगा उसकी भी आज ही पीडीएफ दे दूंगा तो आप लोग पहले से ही उसके क्या नाम है आंसर्स वगैरह पढ़ लेना और भी चीजें पढ़ लेना वहां पे तो उससे होगा क्या बेनिफिट ये होगा कि कल जब आप आओगे तो कॉन्फिडेंस आपको रहेगा अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है ठीक है बेटर रहेगा चलिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर